अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम अली और आप देख रहे हैं GAK सोलर टेक। तो नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश करता चलूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है इन्वेरेक्स का एरोक्स सीरीज 2020 का मॉडल है और ये है 5.2 किलोवाट। एरोक्स 5.2 किलोवाट है जिसका कलर चेंज कर दिया गया है और इसकी भी 5 ईयर वारंटी है और 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी है इसकी और 3 ईयर सर्विस वारंटी है इसकी। तो चलते हैं इसके प्रोडक्ट फ्यूचर की तरफ। प्रोडक्ट फ्यूचर है इसके जनाब, फर्स्ट टाइम इन्वर्टर इन पाकिस्तान विथ ग्रिड टाई एंड सेल्फ कंजम्पशन फ्यूचर इसके अंदर मौजूद है। और अपग्रेड थर्ड जनरेशन स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सोलर इन्वर्टर है ये। ज़ीरो ट्रांसफ़र टाइम है इसका, पैरेलल अप टू 9 यूनिट विथ ऑप्टिकल किट। तो 9 यूनिट जो है ये इकट्ठे लगा सकते हैं आप पैरेलल में, एफिशिएंटली वर्क विदाउट बैटरी और ये बगैर बैटरी के भी काम करता है। और अपग्रेड MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है अप टू 5000 वाट। इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ इंटरफेस विथ एंड्रॉयड ऐप और इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है जो एंड्रॉयड ऐप के साथ है। और बैटरी इक्वलाइजेशन सिस्टम इसके अंदर भी है और एंटी डस्ट किट इसके अंदर मौजूद है। अपग्रेड है, मॉडल है न्यू, अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग है इसकी और ये थर्ड जनरेशन है। और इसका ट्रांसफ़र टाइम जो है ना 0 मिली सेकेंड है। डेटा लॉगिंग एंड स्टोरेज फीचर इसके अंदर मौजूद है। एनर्जी प्राइवेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू द टाइमर, कन्फर्मर कोटिंग टू प्रिवेंट फॉर डस्ट एंड ह्यूमिडिटी। ये नमी के और मिट्टी का असरात जो है ना इसके PCB के ऊपर नहीं होंगे, ये खास चीज़ इसके अंदर रखी गई है। और कंपेबिलिटी विथ लियो लाइन लीफो P04 एंड ETC वगैरह, इसके साथ हर किस्म की बैटरी आप लगा सकते हैं। बैटरी विथ BMS, ये है ग्रिड फीडिंग ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। कंट्रोल थ्रू एंड्रॉयड ऐप है ये, एंड्रॉयड के थ्रू आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ टूथ कनेक्टिंग है इसके अंदर, OTG कनेक्शन है इसके अंदर। और चलते हैं नीचे की तरफ, ये आ गया एरोक्स 5.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर एंटी डस्ट किट इसके अंदर। OTG USB सपोर्टेड है ये और RS232 इसके अंदर है। पावर ऑन ऑफ स्विच है, कम्युनिकेशन पोर्ट इसके अंदर है, ड्राई कनेक्ट है ये। और मॉडल है 5.2 किलोवाट, कंपेबिलिटी है विथ 5200 वाट। और इनपुट रेंज है इसकी जो है वोल्टेज 230 VSC है। चलते जो है वोल्टेज है इसके 230 VSC, सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज है 170 से 280 VSC फॉर पर्सनल कंप्यूटर और 90 से 280 VSC फॉर होम अप्लाइसेस। और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज ऑटो सेंस करेगा ये। आउटपुट ऑफ ग्रिड ऑपरेशन, तो ये बगैर ग्रिड के भी चलेगा। एक होता है ना ऑन ग्रेड और ऑफ ग्रेड, इसमें दोनों सिस्टम है, ये ऑन ग्रेड भी काम करेगा और ऑफ ग्रेड भी काम करेगा। बैटरी मोड जो है 230 VSC, 5% माइनस या प्लस हो सकता है। ओवरलोड कैपेबिलिटी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए 150% लोड का टार्क उठाएगा और 10 सेकेंड के लिए 110% का लोड उठाएगा। और 150% लोड जो है 100 मिली सेकेंड के लिए उठाएगा, 100 मिली सेकेंड जो है 200% तक लोड ही उठा सकता है। एफिशिएंटली पैक है ये, 90% एफिशिएंसी है इसके अंदर। ट्रांसफर टाइम 0 मिली सेकेंड है फॉर DC शिफ्टिंग, 10 मिली सेकेंड फॉर PC, 20 मिली सेकेंड फॉर अप्लाइंसेस। वेव फॉर्म जो है इसकी प्योर साइन वेव है और आउटपुट ग्रिड टाई ऑपरेटिंग है। नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज इसके 230, नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज इसके 220 है, 230 240 VSC सिलेक्टेबल कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज रेंज इसकी जो है 184 वोल्ट से 264.5 VSC
और 195.5 से लेके 253 VAC सिलेक्टेबल है। नॉमिनल आउटपुट करंट इसका है 22 एम्पियर तक आप इसको करंट ले सकते हैं। पावर फैक्टर इसका है 0.99 और बैटरी सिस्टम है इसके अंदर, बैटरी वोल्टेज जो है 48 वोल्ट और ये चार बैटरियों पे काम करता है और ये बगैर बैटरी के भी काम करता है मैं आपको बताता चलूँ। फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज जो है इसके 54 VDC है और आवर चार्जिंग प्रोटेक्शन जो है 64 VDC है। और सोलर चार्जर एंड AC चार्जर इसके अंदर मौजूद है। सोलर चार्जर टाइप जो है MPPT है और मैक्सिमम PV एरिया ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इसके 450 VDC है और मैक्सिमम PV एरिया पावर जो है 5000 वाट तक इसको आप सोलर दे सकते हैं। और MPPT रेंज जो है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 120 कम से कम 120 ज़्यादा से ज़्यादा 430 VDC तक आप इसको दे सकते हैं। और मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है इसका 80 एम्पियर तक इसको बैटरी आप इससे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और मैक्सिमम AC चार्ज करंट भी 80 एम्पियर है, बिजली से भी आप 80 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और फिजिकल है डिमेंशन DXW XWMM 140x295x465, नेट वेट केजीज में इसका 12.2 kg है। इसके अंदर फिजिकल में हो गया ये। और कम्युनिकेशन इंटरफेस के अंदर USB एंड RS-232 इसके अंदर है। और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है इसके अंदर, ह्यूमिडिटी है 5% to 95%, रिलेक्टिव ह्यूमिडिटी नॉन कंडीशन है ये। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका 10 सेकेंड से, ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है इसका 10 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक है। और स्टोरेज टेम्परेचर जो है 15 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट फर्दर नोटिस। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात 5.2 किलोवाट के बारे में। उम्मीद है आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको ऐसी मालूमात मिलती रहेगी। और हमें दें नई वीडियो के आने तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।